मंगलम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं हूं आशीष दुबे, एक बार फिर से आपके लिए डेली डायरेक्ट क्वेश्चन 50 लेके आया हूं। ध्यान दीजिएगा, डेली डायरेक्ट क्वेश्चन 50 ये सामान्यतः ऐसे प्रश्न हैं जो आपके परीक्षाओं में गलत होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न है आपका, इक्विलिब्रियम इन एटमॉस्फेयर इज मेंटेन्ड होता है प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकम्पोजर के द्वारा। मतलब ऐसे तीन फैक्टर हैं जो कि एटमॉस्फेयर को इक्विलिब्रियम करते हैं, ठीक है। तो पहला है प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है और डीकम्पोजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एक्टिविटी ऑफ कॉर्क कैम्बियम प्रोड्यूस, कॉर्क कैम्बियम की एक्टिविटी प्रोड्यूस करती है सेकेंडरी कॉर्टेक्स एंड कॉर्क। ध्यान दीजिएगा, सेकेंडरी कॉर्टेक्स एंड कॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोपाइल इन एसिड, एक सीड में माइक्रोपाइल एंट्री करता है वाटर के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, वाटर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कॉर्क ऑफ कॉमर इज डेरिवेटिव ऑफ कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क ऑफ कॉमर्स का डेरिवेटिव कौन है? कॉर्क कैम्बियम है। और एक चीज़ आप ये समझिए कि कॉर्क कैम्बियम की डेरिवेटिव से ही बनता है कॉर्क ऑफ कॉमर्स। और इसके पहले थोड़े वाले प्रश्न पर चलते हैं, एक सीड में माइक्रोपाइल के द्वारा ही वाटर की एंट्री होती है। ध्यान दीजिएगा, ये सामान्य प्रश्न है लेकिन पूछा जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, द काजमेटा इज सेल डिवीजन इज सीन एट, कहाँ पर देखा जाता है? डिप्लोटीन स्टेज में। ध्यान दीजिएगा, डिप्लोटीन में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए सिंपल मैकेनिकल टिश्यू डिवाइड ऑफ लिग्नम, कहाँ पे होगा डिवाइड होगा? कोलेन कायमा में। ध्यान दीजिएगा, कोलेन कायमा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंथ्रोजॉइड इन ड्रायोप्टेरिस आर किस टाइप का होता है? मल्टीसिलिएट और सिकिल्ड शेप्ड होता है। ध्यान दीजिएगा, मल्टीसिलिएट और सिकिल्ड शेप्ड होता है। क्या होता है? ड्रायोप्टेरिस में जो एंथ्रोजॉइड्स पाए जाते हैं वो मल्टीसिलिएट और सिकिल्ड शेप्ड होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंजाई आर हेटरोट्रॉपिक, फंजाई का जो नेचर होता है वो हेटरोट्रॉपिक होता है जबकि एल्गी का ऑटोट्रॉपिक होता है। ऑटोट्रॉपिक इन द सेंस कि क्लोरोफिल उपस्थित होने की वजह से वो ऑटोट्रॉपिक होता है, लेकिन फंजाई हेटरोट्रॉपिक क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। इसका जो नेचर है ये वाइट होता है, फंगस होता है, फफूंद लगता है, और ये हेटरोट्रॉफिक होने की वजह से यह पैरासाइट और सेप्रोफाइट्स दोनों नेचर में मिलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टोमेटा इज मॉस और प्रेजेंटिन, मॉस में स्टोमेटा कहाँ मिलता है? लोअर पार्ट ऑफ कैप्सूल में। ध्यान दीजिएगा, लोअर पार्ट ऑफ कैप्सूल में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रायोफाइट ऑफ मोर इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस इज, क्या होता है? स्फेगनम का। स्फेगनम जो है इकोनॉमिकली ब्रायोफाइट, एक ऐसा ब्रायोफाइट जो यूज में आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस वास्तव में क्या होता है कि हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें समस्या कन्फ्यूजन ये होता है कि हाई कंसंट्रेशन से होगा कि लो कंसंट्रेशन से। तो ध्यान दीजिएगा कि ऑस्मोसिस ऐसी प्रक्रिया है, यह जब भी होगी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेफनेस इज इंक्लूडेड इन, किस में इंक्लूड होगा? क्रूसीफेरेई में। ध्यान दीजिएगा, क्रूसीफेरेई एक फैमिली होती है जिसमें ये इंक्लूड होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस, भोजन का जो ट्रांसलोकेशन होता है वो सुक्रोज के रूप में होता है। ध्यान दीजिएगा, सुक्रोज के रूप में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोनोकार्पिक प्लांट विच प्रोड्यूस करता है अपने पूरे लाइफ में केवल एक सिंगल टाइप का
ही फ्लावर प्रोड्यूस करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक रस्ट ऑफ वीट इज कॉज्ड बाय पैक्सिनिया। पैक्सिनिया के द्वारा वीट में, ध्यान दीजिएगा, वीट में ब्लैक रस्ट डिसीज होता है, ये इसी के द्वारा होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द नेम ऑफ डिसिप्लिन डीलिंग द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, ये समान है, इसे आप जानते हैं, इसे जेनेटिक्स कहते हैं। नाउ सेकेंड क्वेश्चन है आपका, इन प्लांट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग, प्लांट में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो रिस्पायरेशन प्रक्रिया के द्वारा होती है। ध्यान दीजिएगा, रिस्पायरेशन प्रक्रिया के द्वारा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, क्योंकि इसी प्रक्रिया के द्वारा एटीपी का फॉर्मेशन और एटीपी से एनर्जी प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटसन एंड क्रिक आर क्रेडिटेड फॉर द फाइंडिंग दैट डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स। तो डीएनए के लिए डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स है, जो ऐसे क्या करता है कि क्रेडिट किया गया था वाटसन और क्रिक के द्वारा, डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंडीशन ऑफ एंड्रोसियम इन द मालवेसी, मालवेसी में जो एंड्रोसियम का कंडीशन होता है वो मोनोडेल्फस होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम आप चलेंगे क्या, द मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ द एडेबल पार्ट, मतलब एप्पल का जो एडेबल पार्ट होता है वो खाया जाता है थैलेमस का, ध्यान दीजिएगा थैलेमस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि फ्यूजन ऑफ वन स्पर्म न्यूक्लियस विथ एग न्यूक्लियस, एक स्पर्म का न्यूक्लियस एक न्यूक्लियस के साथ जुड़ेगा, और दूसरा क्या होता है कि फ्यूजन ऑफ अदर स्पर्म, फ्यूजन ध्यान दीजिएगा, फ्यूजन ऑफ अदर स्पर्म स्पर्म न्यूक्लियस विथ सेकेंडरी न्यूक्लियस, मतलब पहले क्या होगा प्राइमरी न्यूक्लियस के साथ जुड़ेगा, बाद में सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ वो फ्यूजन करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ऑर्गेनेल्स इन विच प्रोटीन सिंथेसिस अकर इन द सेल, कहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, राइबोसोम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फर्स्ट स्टेप इन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के पहले स्टेप में क्या होता है कि क्लोरोफिल के एक इलेक्ट्रॉन का एक्साइटमेंट होता है, उत्तेजित होता है, और ये होगा कब, जब बाई ए फोटोन ऑफ लाइट, ध्यान दीजिएगा फोटोन ऑफ लाइट के द्वारा ये क्या करता है कि एक्साइटमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का। अब फोटोन ऑफ लाइट क्या होता है, बंचेस ऑफ इलेक्ट्रॉन को फोटोन ऑफ लाइट कहते हैं, और ये लाइट क्लोरोफिल में पिगमेंट पाया जाता है, ठीक है, और उस पिगमेंट के द्वारा ये जो इलेक्ट्रॉन है इनका कैप्चरिंग होता है, और ये इसको लेके फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कंप्लीट करते हैं, ठीक है। ज़्यादा समय इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ये समय और ज़्यादा हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कंडीशन अंडर विच ट्रांसपायरेशन वुड बी मोस्ट रैपिड इज, और क्या होगा, ट्रांसपायरेशन बहुत तेज़ी से केवल एक ही कंडीशन, वो क्या कंडीशन बनती है देख लीजिएगा आप, कि लो ह्यूमिडिटी, ध्यान दीजिए कि इसमें और भी कंडीशन है, लेकिन लो ह्यूमिडिटी और हाई टेम्परेचर, ध्यान दीजिएगा लो ह्यूमिडिटी और हाई टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ट्रांसपायरेशन की प्रक्रिया तेज हो जाती है, और लो ह्यूमिडिटी होगी तभी ये प्रक्रिया क्या होगी, तेज हो जाएगी। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, एक बार फिर से 25 नंबर पर, ध्यान दीजिएगा, ए फ्री लिविंग बैक्टीरिया कैपेबल ऑफ फ्री एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन, इसमें होता है आपका एजोटोबैक्टर है, ध्यान दीजिएगा कि जब फ्री लिविंग बैक्टीरिया की बात की जाए, फ्री लिविंग बैक्टीरिया की बात की जाए तो ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है, और वो कौन सा है, एजोटोबैक्टर। ये करता क्या है कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की मात्रा 78% होता है, और इस 78% को एजोटोबैक्टर बैक्टीरिया के द्वारा इसको कन्वर्ट किया जाता है नाइट्रेट फॉर्म में, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट साइंटिफिक स्टडी लीडिंग टू फॉर्मुलेशन ऑफ लॉ ऑफ इनहेरिटेंस वाज कैरिडेड बाय,
ये सामान्य प्रश्न है, ये हम हाई स्कूल से ही पढ़ रहे हैं, तो ये मेंडल है। द स्लो प्रोसेस बाय विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग बाय द जेनेटिक वेरिएशन। मतलब ये समझिए कि प्री एग्जिस्टिंग जब सबसे पहले ओरिजिन हुआ था, तो ये ओरिजिन जेनेटिक के जीन में कंटिन्यू धीरे धीरे एक वेरिएशन होता है, विभिन्नता हो गई, और इस विभिन्नता के माध्यम से एक प्रक्रिया कंप्लीट हुई जिसे क्या कहते हैं, इवोल्यूशन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इवोल्यूशन, इवोल्यूशन का मतलब ये कि कंटिन्यूटी वेरिएशन टू होती जाए और ये लगातार होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिस्पायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस बोथ रिक्वायर करते हैं साइटोक्रोम। ध्यान दीजिएगा, साइटोक्रोम के द्वारा रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रांगेस्ट एविडेंस दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल स्टडीज इन ऑन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरियल सेल। ध्यान दीजिएगा, इस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरियल सेल मतलब एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरियल सेल में क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है, किसका, जेनेटिक मटेरियल डीएनए का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैड ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन डार्विन इन हिज फॉर्मेशन थ्योरी ऑफ नेचुरल सेलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन की जो थ्योरी दी गई थी डार्विन के द्वारा, वो थी माल्थस एसे ऑन पॉपुलेशन पर, माल्थस एसे ऑन पॉपुलेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोनेंट ऑफ मिडिल लैमिला इन प्लांट सेल। तो ये मैग्नीशियम होता है, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत पूछा जाता है कि प्लांट सेल के मिडिल लैमिला में कौन सा कंपोनेंट पाया जाता है, तो क्या कहेंगे, मैग्नीशियम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्राफ्टिंग इज नॉट पॉसिबल इन मोनोकोटिलीडन प्लांट बिकॉज दे हैव स्कैटर्ड, इनके पास जो वैस्कुलर बंडल पाया जाता है वो स्कैटर्ड, स्कैटर्ड मतलब फैला रहता है, और इनका ग्राफ्टिंग पॉसिबल नहीं होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मॉस डिफर फ्रॉम फर्न इन हैविंग, इसमें क्या होता है कि ए डिपेंडेंट स्पोरोफाइट होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ए डिपेंडेंट स्पोरोफाइट होता है, क्योंकि फर्न में जो प्रक्रिया होती है वो डिपेंडेंट स्पोरोफाइट होता है, जबकि मॉस जो है वो गैमेटोफाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मोस्ट प्रिमिटिव लिविंग वैस्कुलर प्लांट, मोस्ट प्रिमिटिव लिविंग वैस्कुलर प्लांट किसे कहते हैं, फर्न को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंटिन्यूटी ऑफ प्रोटोप्लाज्म फ्रॉम सेल टू सेल, सेल टू सेल कंटिन्यूटी जो प्रोटोप्लाज्म की होती है किसके माध्यम से, प्लाज्मोडेस मेटा के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेम ऑफ सबमर्ज वाटर प्लांट आर सॉफ्ट एंड वीक। ध्यान दीजिएगा, तो इसको हम क्या कहते हैं कि स्टेम ऑफ सबमर्ज वाटर प्लांट सॉफ्ट एंड वीक, वीक होता है किसके माध्यम से, दे सपोर्टिंग टिश्यू एंड जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द विल्टिंग ऑफ ए प्लांट रिजल्ट फ्रॉम, इसमें क्या होता है कि ट्रांसपायरेशन होता है, ध्यान दीजिएगा, ट्रांसपायरेशन होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्मॉल रूटलेस एक्वाटिक हर्ब इन विच ए पोर्शन ऑफ लीफ फॉर्म ए टीनी सैक और ब्लैडर विच ट्रैप वाटर, इंसेक्ट कहते हैं यूट्रिकुलोरिया। ध्यान दीजिएगा, यूट्रिकुलोरिया होता है, ये क्या करता है कि एक्वाटिक हर्ब में, ध्यान दीजिएगा, एक्वाटिक हर्ब का जो स्मॉल रूटलेस होता है, जहाँ पर रूट नहीं होता है, वो एक ऐसा पोर्शन होता है जहाँ आपका लीफ का फॉर्मेशन होता है और उसमें ब्लैडर बनता है। ब्लैडर मतलब ये कह सकती है कि पाउच की तरह होता है, और इसमें इंसेक्ट क्या करता है कि रिलीज करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट आर लाइकली टू इन हैव वाइडर रेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है सीट के द्वारा होता है, ध्यान दीजिएगा सीट के द्वारा, दोज डिस्ट्रीब्यूटेड बाई सीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिसीज कॉज्ड बाई टीबी बैक्टीरिया के द्वारा होता है, ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वाई कैम्बियम इज कंसिडर्ड ए लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम में कैम्बियम क्यों होता है, तो ध्यान दीजिएगा इसमें बिकॉज इट इनक्रीज द हाइट एंड डायमीटर ऑफ प्लांट। प्लांट के डायमीटर मतलब डायमीटर को बढ़ाता है और हाइट को भी इंक्रीज कराता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्रॉस सेक्शन ऑफ ट्रंक ऑफ ए ट्री शो 50 एनुअल रिंग, द एज ऑफ ट्री क्या होगा, 50 साल होगा। आप ये जानते हैं कि हर एक साल में एक एनुअल रिंग बनता है और इस एनुअल रिंग में जाइलम फ्लोएम के साथ साथ वैस्कुलर बंडल बनता है और वहाँ पे हर साल एक रिंग बनती है। तो किसी भी प्लांट की अगर काउंटिंग करना है कि उसका एज कितना हुआ है तो हम इसी से ही करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, एनुअल रिंग कहते हैं, और ये 50 ईयर होगा इसका जो सही क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसके पहले एक चीज़ और बता दें कि डेंड्रोक्रोनोलॉजी भी कहते हैं इसके स्टडी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मोटाइल फ्लैजलेट ए सेक्सुअल सेल को क्या कहते हैं, जूस्पोर कहते हैं। जूस्पोर हर समय हो कैसा होगा, मोटाइल स्टेज में होगा, मतलब इसका मूवमेंट एक स्थान से दूसरे स्थान होता है, इसलिए इसे मोटाइल कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन शुगर एंड शुगर होता है एंड इट कन्वर्टेड इनटू स्टार्च, ध्यान दीजिएगा स्टार्च में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए जिम्नोस्पर्म इज ए प्लांट विच डज नॉट प्रोड्यूस्ड सीड इन कोन, ध्यान दीजिएगा कोन। जिम्नोस्पर्म एक ऐसा पौधा है विच डज नॉट प्रोड्यूस, जो कि कोन में सीड को प्रोड्यूस नहीं करता है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पार्शियल पैरासाइट इज वन विच टेक्स क्या लिख करता है, बोथ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम होस्ट, होस्ट से वाटर और मिनरल को लेता है बट मैन्युफैक्चर इट्स ऑन कार्बोहाइड्रेटेड फूड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आप थोड़ा सा देख लीजिए कि ए पार्शियल पैरासाइट, पार्शियल पैरासाइट क्या होता है कि यह लेता है होस्ट से कि जिस पे ये रहता है, पैरा का मतलब होता है किसी दूसरी बॉडी पे जो लिविंग बॉडी हो उस पे रहना पैरासाइट होता है और डेड बॉडी पे रहना वो सेप्रोफाइट्स कहलाता है। तो चलिए पार्शियल पैरासाइट क्या होता है कि किसी होस्ट बॉडी पर वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करना बट मैन्युफैक्चर इट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट फूड, लेकिन ये अपना खुद ही क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेवलपमेंट ऑफ द एग विदाउट फर्टिलाइजेशन इज टर्म, इसे हम क्या करते हैं, पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं, क्या कहते हैं, पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। यहीं पर अगर डेवलपमेंट ऑफ एग विदाउट फर्टिलाइजेशन होता तो अगर ये फ्रूट में होता तो वहाँ पे पार्थेनोकार्पिक हो जाता है और यहाँ पे क्या है, पार्थेनोजेनेसिस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड यू ईट इन कोकोनट, कोकोनट का कौन सा पार्ट खाया जाता है, एंडोस्पर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बार्क ऑफ ट्री कंप्राइजेस क्या, ऑल टिश्यू आउटसाइड द वैस्कुलर कैम्बियम, तो जितना होता है कि ऑल टिश्यू आउटसाइड द वैस्कुलर कैम्बियम के द्वारा क्या करता है कि बार्क ऑफ ट्री बनाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनरल एब्जॉर्ब बाय रूट मूव टू द लीफ, आप ये समझिए कि मिनरल का एब्जॉर्बमेंट बाय रूट के द्वारा होता है और ये मूव करता है लीफ की तरफ,
मतलब नीचे से ऊपर की तरफ फूड को ले जाने का जो वर्क होता है वो जाइलम होता है, और लीव से जो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से भोजन बनता है वह भोजन रूट की तरफ लाता है, फ्लोएम आता है। तो जब भी फ्लोएम आएगा तो फूड लेके आएगा, और जाइलम जब लेके आएगा तो जल लेके आएगा। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिलहाल नेक्स्ट नहीं है, अब डेली डायरेक्ट क्वेश्चन 50 जो है कि समाप्त होता है। और इस चैनल को मंगलम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और किसी भी समस्या के लिए 7860 1960 90 पर आप फोन भी कर सकते हैं। और फ़ोन करने के साथ साथ आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड कर लीजिए मंगलम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल को। आप प्ले स्टोर में जाइए और उस प्ले स्टोर में मंगलम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल, ये वहाँ पे आपका ये ऐप को स्टोर करिए और वहाँ पे आपका ये जो पीडीएफ है वो आपको मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही।